बात करने जा रहे हैं चैप्टर टू आपका 10th क्लास का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें हम बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सॉल्ट्स हैं उनकी जो फैमिली है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दैट इज योर कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो कॉमन सॉल्ट है ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, अभी जो NaCl है जनरली ये कहां से पाया जाता है, ये सी वाटर से पाया जाता है। सी वाटर में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं लेकिन जनरली हम उसमें से ये सोडियम क्लोराइड निकाल लेते हैं क्योंकि एक तरह का रॉ मटेरियल है बहुत सारे सॉल्ट्स के लिए। क्लियर, इस सोडियम क्लोराइड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपको लास्ट एक वीडियो में बताया गया था रिएक्शन के अंदर कि NaOH प्लस HCl को रिएक्ट कराओगे तो आपका NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, वैसे तो लैब प्रिपेयर करा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो अब इससे हम सबसे पहला जो सॉल्ट बनाएंगे दैट इज योर कॉस्टिक सोडा। ओके, ये जो कॉस्टिक सोडा है ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, हम इसमें इसके केमिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो किसी भी सॉल्ट का एक केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला मींस केमिकल फॉर्मूला वो है आपका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका प्रिपरेशन, उस प्रिपरेशन के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो उस प्रिपरेशन के रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया इसका रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl इसको हमने पानी में डिजोल्व कर लिया। ओके, तो जब भी सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डिजोल्व कर लोगे तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, उसको हम ब्राइन कहते हैं, हिंदी में इसको लवण जल कहा जाता है। क्लियर, अब इसमें से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं कि दो तारे ली और पानी में छोड़ दिया नमक वाले, नहीं ऐसा नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहाँ प्रॉपरली आपको एक अपैरेटस तैयार करना है, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर वो कंटेनर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस करते हैं, इसमें दो रॉड्स लगानी है आपने। ठीक है, कोई भी दो रॉड्स लगा लो, जनरली इसमें ग्रेफाइट रॉड्स लगाई जाती है, कार्बन की रॉड्स लगाई जाती है। ठीक है, फिर इनको हम क्या करेंगे, बैटरी के एंड से जोड़ देंगे। उस बैटरी में आपके पास क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव हिस्से से जो रॉड जुड़ेगी उसको हम नाम देते हैं एनोड, और जो नेगेटिव हिस्से से जुड़ेगी उसको हम नाम देते हैं कैथोड। ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप यहाँ पे की वगैरह लगा लेना। क्लियर, अब इसमें हमने क्या करा, इस सोल्यूशन भर दिया ब्राइन सोल्यूशन, इसके अंदर ब्राइन सोल्यूशन से इसको फिल कर दिया। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन फिल कर दिया। अब ब्राइन सोल्यूशन फिल करने पर क्या होगा, क्योंकि ये नमक है पानी में जाएगा तो ऑब्वियसली अपने सोडियम प्लस और सीएल माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर इसमें ऐसा होगा कि वाटर भी ब्रेक डाउन होगा, और उस वाटर के ब्रेक डाउन होने के कारण ये सोडियम प्लस वन है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके बना लेगा NaOH, बच्चा आपका सीएल माइनस और पानी के अंदर प्रेजेंट एच प्लस। अब ये एच प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस की तरफ जाएगा, तो कैथोड पे जाएगा और बना लेगा हाइड्रोजन गैस। ये सीएल माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि इस नेचर प्रकृति का ये नियम है कि हमेशा कोई भी चीज अपोजिट साइड अट्रैक्ट होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड और आपका पॉजिटिव जो है नेगेटिव की साइड जाएगा। क्लियर, तो सीएल माइनस जाकर वह बनाएगा क्लोरीन गैस। अब इसको बैलेंस कर, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एन ए वन है, एन ए वन सीएल टू, तो सीएल टू के लिए यहाँ टू लगा लेंगे, आपके पास एन ए टू हो गया, यहाँ भी टू लगाया, एच टू आपके पास एच टू। अब बात यहाँ पर ओ टू की, एच टू नहीं सॉरी टू और टू, फोर में टू लगा लोगे तो ओ भी टू हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस है ये कहां पर एमिट हो रही है, ये इवॉल्व कहां हो रही है, एट पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड यानी कैथोड, और जो क्लोरीन है वो कहां एमिट हो रही है, एट एनोड। अब इनके थोड़े से यूजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसा यूजेस भी पूछ लेते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, इसका सबसे पहला यूज ये है कि ये यूज होता है डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए, क्लियर, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन सुना होगा आपने, रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके वजह से इस हाइड्रोजन को अगर नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करा दिया जाए तो अमोनिया गैस प्रिपेयर करता है, और ये क्लोरीन गैस है, इसका यूज करके बनाया जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसी में आपका सॉल्ट में ब्लीचिंग पाउडर,
और दूसरी चीज इसका यूज करके सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर निरंजक चून जिसको हिंदी में कहा जाता है ये भी कॉमन नेम है। इसके लिए अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके दिस इज इट्स केमिकल नेम। नेक्स्ट अब हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्लियर। इसका लैब प्रिपरेशन अगर इसके प्रिपरेशन के रिएक्शन की बात कर लें, इसके निर्माण के अभिक्रिया की बात कर लें तो क्या होता है, चूने का पानी ले लिया जाता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कराई जाती है। ये जो क्लोरीन गैस अभी लास्ट रिएक्शन में भी बताया था मैंने, उसमें जो क्लोरीन गैस बनती है उसको इसमें से पास कराएंगे तो ये बना लेगा आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर लो, कैल्शियम वन कैल्शियम वन Cl2 Cl2 O2 तो 1 और 1 2 H2 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज क्या है, सबसे पहला यूज तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है आपने सुना होगा इसका यूज करते हैं कॉटन ब्लीचिंग के लिए, ठीक है। दूसरा लॉन्ड्रीज में यूज होता है जो ड्राई क्लीनिंग वगैरह होती है। तीसरा ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ओके और चौथा जो आपने नॉर्मली यूज देखा ही होगा कि पानी में से जो जर्म्स को मारने के लिए ब्लीचिंग की गोलियां आती हैं जनरली जिसको क्लोरीन की गोलियां कहते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी यूज हो सकता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये पानी में से जर्म्स को किल करने के काम भी आता है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड मैं सॉल्ट बात करने जा रहा हूं आपका वो है आपका बेकिंग सोडा। ये जो आपका बेकिंग सोडा है इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके फॉर्मूला की बात कर लें तो वो है NaHCO3। अगर इसके प्रेपरेशन की बात कर लें, अगर इसके लैब प्रेपरेशन की निर्माण की तो क्या किया जाता है, NaCl को वाटर में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया गैस पास की जाती है। तो क्या होता है, ये जो अमोनिया गैस है ये अमोनियम आयन बनाकर इस क्लोरीन आयन के साथ बना लेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सॉल्ट बना लेगा जो कि हमारा इस रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये वाटर, ठीक है, और सोडियम और कार्बन ये मिलकर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आपका बना लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, बैलेंस कर लेते हैं इसे। ये सोडियम बनी है ClCl, ओके N1 N1, ओके H कितने 3 और 2 5 1 और 4 5 2 3 2 और 1 3, ऑलरेडी वापस क्या है बैलेंस्ड। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के। तो ये जो बेकिंग सोडा है आपका इसका मैं सबसे पहला यूज आपको ये बता दूं कि ये किसके रूप में यूज होता है, एज एन एंटा एसिड। आप जानते होंगे सुना होगा एंटा एसिड, इसके यूजेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बेकिंग सोडा में। तो ये बेकिंग सोडा जो है आपका इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड, जैसे एंटीवायरस होता है ना वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा वैसे ही एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करता है जनरली जब हमें कभी एसिडिटी हो जाए, ठीक है, तो उस केस में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। बहुत से जो इंग्रेडिएंट्स मतलब बहुत से सब्सटेंस होते हैं जैसे आप इनो वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ता है वो आपका बेकिंग सोडा पड़ता है, ठीक है, वो एक एंटा एसिड की तरह यूज होता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर जिससे केक वगैरह सॉफ्ट और फ्लफी बनाया जाता है। क्लियर, तो ये आपका बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, बेकिंग सोडा जो है आपका NaHCO3 इसके साथ को एक एसिड ऐड कर दिया, तो वो भी कैसा एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड, ऐसा एसिड जिसको आप खा सकते हो, एक दुर्बल अम्ल, ठीक है, यानी कि माइल्ड एडिबल एसिड। जनरली इसमें मैं बात कर लेता हूं वो कैसा एसिड है, टार्टरिक एसिड। आप जानते होंगे टार्टरिक आपका जो एसिड है ये टैमरिंड जूस से निकलता है, इमली के जूस से। क्लियर, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, किसका, सोडियम का, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा और एसिड है तो ऑब्वियसली इसमें से वाटर जनरेट होगा और कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगा। क्लियर,
तो ये जो आपका बना, ये बना बेकिंग पाउडर, इसी का यूज होता है आपका केक प्रिपेयर करने में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें, इसकी वजह से जो आपका केक है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनता है, क्लियर। तीसरा यूज इसका जो होता है, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्यूजर, फायर एक्सटिंग्यूजर के रूप में यूज होता है, आग बुझाने के लिए, ठीक है। कैसे फायर एक्सटिंग्यूजर, कैसे आपका जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, थोड़ा सा बिठा लेता हूं मैं, ठीक है। आपका जो NaHCO3 है इसको अगर ऐड कर दें H2SO4, यानी कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली एसिड है तो सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, इसमें साथ में जनरेट होगा एसिड है और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर, और कार्बन जिस भी चीज में प्रेजेंट तो पहले ही बता रखा मैंने, ऑक्सीजन है और एसिड है, तो हीट के कारण क्या निकलेगा इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बैलेंस कर लेना, या नहीं 2 है यहाँ पर तो 2 लगा लो, ठीक है, H2O2 4 तो यहाँ 2 लगा लो, ठीक है, O6 और 4 10 4 2 6 और यहाँ पे 2 लगा लो, 4 10 OCB2 हो गया बैलेंस, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है आपकी सोडा, इसको हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर, ठीक है। तो ये सोडा एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर इसलिए कहलाता है कि इसमें ये सोडा हो गया या आपका एसिड हो गया, और इसमें फायर एक्सटिंग्यूजर क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ये आग को बुझाने के काम। अब ये आपके पास हो गए 3 सॉल्ट्स, आपके पास मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक तो आपको कॉस्टिक सोडा पढ़ाया, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर और तीसरा बेकिंग सोडा, और इनके रिएक्शंस और इनके यूजेस बताए, ठीक है, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला के साथ। तो मैं फर्स्ट में आपका एक चीज बताना भूल गया था, जो फर्स्ट कॉस्टिक सोडा है आपका, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके फॉर्मेशन क्रिएशन को हम क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोर मींस क्लोरीन, अल्कलाई मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बता दिया, इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका वॉशिंग सोडा हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस।